वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी डू यूनिट आरडीबीएमएस मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑफ सेशन 5, दैट इज क्रिएट फॉर्म एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश प्रोवाइड द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन यूजर को प्रोवाइड करता है कि सिस्टमैटिक वे में वन बाय वन, सिस्टमैटिक वे में यानी वन बाय वन आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें डाटाबेस में, फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल या ऑल। राइट आंसर इज फॉर्म। फॉर्म प्रोवाइड अस द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट। यूजर स्पेसिफाइड लेआउट का मतलब बेटा कि एक ऐसा इंटरफेस है जिसे यूजर ही क्रिएट करता है अपने वैसे कि हाँ आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले सबमिट करना चाहते हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन बाद में सबमिट करना चाहते हो। दैट्स लेट्स यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज डाटा डायरेक्टली इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। ये इंटरफेस यूजर स्पेसिफाई करता है एंड यूजर देख भी सकता है डाटा को, चेंज भी कर सकता है डायरेक्टली जो भी हमारे डाटाबेस ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो टेबल हो या फिर क्वेरीज हो। ऑप्शंस आर रिपोर्ट, फॉर्म, टेबल या डाटाबेस। इफ यू वांट टू एंटर डाटा एंड व्यू और मेक चेंजेस इन द डाटा बाय स्टेप देन यू हैव टू यूज फॉर्म, देन बेटा आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंटरफेस टू व्यू, एंटर और चेंज डाटा इन डाटाबेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इंटरफेस का वर्क कर रहा है जिसमें आप देख भी सकते हो, एंटर भी कर सकते हो डाटा और चेंज भी कर सकते हो, दैट इज नोन एज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हेल्प टू डिस्प्ले द डाटा इन समराइज मैनर, समराइज वे या समराइज मैनर। ये डाटाबेस को आप, अगर आप आपके पास 4 या 5 टेबल्स हैं, उनका डाटा आपने क्वेरी में स्टोर किया हुआ है, आप उसका आउटपुट शो करना चाहते हो या किसी को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, देन व्हाट यू यूज, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी एंड नन ऑफ द अबव। फॉर्म बेटा होता है सिस्टमैटिक वे में डाटा को रिप्रेजेंट करना। क्वेरी क्या है आपका, किस लिए यूज़ करते हैं, व्हेन यू वांट टू टेक डाटा और एक्सेस डाटा फ्रॉम 2 or more टेबल्स। रिपोर्ट इज द राइट आंसर। रिपोर्ट हेल्प टू डिस्प्ले द डाटा इन समराइज मैनर, समराइज वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश हेल्प टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डाटा। किसकी हेल्प से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन से या ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से कुछ डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म या नन ऑफ द अबव। बेटा अभी क्वेरी मैंने बताया आपको क्या होता है, क्वेरी इज यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। रिपोर्ट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू शो योर डाटा इन प्रिंटेड फॉर्म और इन ए क्लियर फॉर्मेट और इन समराइज वे। फॉर्म सिस्टमैटिक वे में अगर आप डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो देन यू यूज फॉर्म, देन राइट आंसर इज क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी क्रिएटेड फर्स्ट। डाटाबेस में सबसे पहले क्या क्रिएट किया जाता है, रिपोर्ट, क्वेरी, फॉर्म या फिर टेबल। रिपोर्ट तो बेटा आपको जब रिजल्ट देना हो तब यूज करेंगे, क्वेरी डिपेंड होता है टेबल्स के ऊपर कि किन्नी टेबल्स के ऊपर आप क्वेरी क्रिएट करते हो। फॉर्म ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेबल्स, देन राइट आंसर इज टेबल इज योअर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन द डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉरेन की इज अ रेफरेंस ऑफ द डैश की इन अनदर टेबल। फॉरेन की किसका रेफरेंस होती है दूसरी टेबल में, किस की को हम, एक टेबल में तो वो आपकी फॉरेन की है और दूसरी टेबल में उस की को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज प्राइमरी। अ फॉरेन की इज अ रेफरेंस ऑफ द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dash DDL command is used to change the structure of the database. Structure of database means कि आपके टेबल में पहले 3 कॉलम्स थे, ठीक है, आपको ये कॉलम रिमूव करना है या फिर आपको एक नया कॉलम जब ऐड करना है तो इसको हम बोलते हैं कि आप किसकी हेल्प, कौन सी कमांड की हेल्प से करेंगे. मीन्स स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना चाहते हो, देन व्हाट कमांड यू यूज. चेंज, चेंज बेटा कोई कमांड नहीं है. ट्रंकेट, ट्रंकेट किस लिए यूज़ करते हैं बेटा हम, जब आपको एक डाटाबेस डिलीट करना है, रिमूव करना है, ये किस लिए करते हैं, ड्रॉप ए डाटाबेस. अल्टर, यस अल्टर इज द राइट आंसर. अल्टर कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस. रीनेम भी आपकी कोई कमांड नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस. डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम जो यूज करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं बेटा. ऑप्शंस आर SQL, SML, DML या नन ऑफ द अबव. डाटा मैनिपुलेशंस के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम क्वेरी राइट करते हैं, दैट इज नोन एज SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सटेंशन फॉर डाटाबेस क्रिएटेड यूजिंग OpenOffice.org. OpenOffice.org में हम कोई जो डाटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है. .db, .dbs, .odb, .oob. राइट आंसर इज सी, .odb, ओपन डाटाबेस फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DML कमांड. DML कमांड्स मीन्स डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स. इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती है. मैनिपुलेट का मतलब होता है बेटा कि आप अगर कुछ ऐड करते हो, डिलीट करते हो या चेंज करते हो किसी पर्टिकुलर रो में, टेबल के रिकॉर्ड्स में, देन वो आपकी DML कमांड्स हैं. इंसर्ट क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, एक रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए. अपडेट चेंजेस करने के लिए. डिलीट एक रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए. देन ट्रंकेट कमांड मैंने आपको बोला था, ये आपकी DDL कमांड है बेटा, DML कमांड नहीं है. इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रॉप अ टेबल. देन राइट आंसर इज ट्रंकेट, इज नॉट अ DML कमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ODB स्टैंड्स फॉर. ODB की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन ऑफिस डाटाबेस. ऑप्शन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स. अगर आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड करना है, आपको स्टोर करना है, देन विच सॉफ्टवेयर यू यूज. ए MS Access, राइटर, कैल्क या फिर इम्प्रेस. बेटा इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. इट मीन्स इस ये आपका क्या क्रिएट करता है, प्रेजेंटेशंस. कैल्क कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, इट मीन्स ये आपका एक्सेल वाला वर्क करता है. राइटर आपका टेक्स्ट एडिटर है, अगर आपको कोई टेक्स्ट राइट करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है कोई, देन यूज राइटर. MS Access इज अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर जिसमें आप डाटाबेस को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इंफॉर्मेशन को. देन राइट आंसर इज डाटाबेस. MS Access इज अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वेरी कैन बी प्रीव्यू बाय प्रेसिंग. एक क्वेरी को रन करने से पहले जब आप देखना चाहते हो कि आपने क्या क्वेरी राइट की है, उसको बोलते हैं प्रीव्यू. देन इनमें से आप कौन सी की प्रेस करोगे प्रीव्यू करने के लिए, F1, F2, F3 या F4. अ क्वेरी कैन बी प्रीव्यू बाय प्रेसिंग F4 की. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की हेल्प टू रन ए क्वेरी. अगर आपको क्वेरी रन करनी है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, F2, F5, F6, F8. टू रन ए क्वेरी वी यूज F5 की. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म कैन बी क्रिएटेड इन. फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो किस में, डिजाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हो. यस
बाय यूजिंग विजार्ड भी क्रिएट कर सकते हो। यस बेटा, देर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्म, डिजाइन व्यू एंड बाय यूजिंग विजार्ड। इट मीन्स आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड इन डैश। रिपोर्ट कितने वेज से आप क्रिएट कर सकते हो? यू कैन क्रिएट रिपोर्ट टू वेज। फर्स्ट बाय यूजिंग डिजाइन व्यू, सेकेंड बाय यूजिंग विजार्ड। इट मीन्स आंसर इज सी, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश हेल्प टू डिस्प्ले द डाटा इन समराइज मैनर। अगर आपको रिजल्ट समरी के वे में देखना चाहते हो, या फिर आप रिजल्ट इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हो कि ऊपर हेडर में आपका नेम लिखा है, आपकी कंपनी का या स्कूल का, नीचे आपके सिग्नेचर का कॉलम हो और एक कॉलम्स में आपका डाटा रिप्रेजेंट हो रहा हो, या फिर टेबल्स की तरह रिप्रेजेंट हो रहा हो, कुछ स्पेशल आप कलर डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हो, देन व्हाट फॉर ऑब्जेक्ट यू यूज़? फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी या टेबल? अगर आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है समराइज वे में, देन यू यूज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन ए क्लियर फॉर्मेट। यस, क्वेश्चन आपका इस तरह से भी यूज हो सकता है। डैश इज यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन ए क्लियर फॉर्मेट, मीन्स जितना भी आपने वर्क किया हुआ है क्लियर फॉर्मेट में आपको जनरेट करना है, देन व्हाट यू यूज? क्वेरी, रिपोर्ट, टेबल या फॉर्म? राइट आंसर इज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सेलेक्ट ऑल फील्ड बाय सेलेक्टिंग डैश बटन। जब आप डाटा ट्रांसफर करते हो टेबल से सिलेक्टेड फील्ड में, कि आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए क्वेरी में या रिपोर्ट में या फॉर्म में, तब आप इनमें से कौन सा बटन यूज करते हो? ए ग्रेटर देन, बी एट द रेट, सी टू टाइम्स ग्रेटर देन, या डी एम्परसेंट। बेटा उस टाइम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन, आपके पास ये बटन है, अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो जितने भी फील्ड्स आपके यहाँ पर हैं, इस प्लेस पर हैं, वो सारे के सारे फील्ड आपके यहाँ पर मूव हो जाएंगे। एक बटन और होता है सिंगल टाइम ग्रेटर देन, इफ़ यू क्लिक हेयर देन वन फील्ड मूव वन टाइम, एक फील्ड एक टाइम में आपका मूव करेगा अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो। Thanks for watching my videos. If you like it, please share and subscribe my channel.